29/4/2000 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने याद दिलाया है नाटक पूरा होता है तो पावन जरूर बनना है क्योंकि घर जाना है। साथ साथ बाबा ने कहा, स्त्री पुरुष दोनों जो सर्वशक्तिमान शिव बाबा है उससे शक्ति अर्थात बल लेकर के घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनकर दिखाना है। और बेहद का बाप मिला है उस बाप की श्रीमत पर चलना है। मीठे बच्चे कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। सबसे पहले बाबा को सत्ययुगी दैवी सृष्टि स्थापन करने के लिए बच्चों की पहली मदद पवित्रता की ही चाहिए। और इसमें कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन हमें पवित्र जरूर रहना है। क्वेश्चन है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? आंसर, अंतिम दृश्य सबके वापिस जाने का है। आदि कहा जाता है, राम गयो रावण गयो आदि, बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर यहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजा आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। गीत नैन हिनको रहा दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आपे ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ, गुरुओं के दर मंदिरों के दर पर नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। पतित पावनी गंगा समझ करके वहाँ पर स्नान करने जाते हैं ना, अर्थ तो नहीं जानते। हमारा वह बाप है, प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं, कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य यह तो आपे ही गाते रहते हैं, हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सजे हो जाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र ना होने के कारण अंधे हैं, तो बाबा आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है, भारत को पवित्रता पर थमाना है। महात्माएं संन्यासियों आदि को भारत को पवित्रता पर थमाना है। भल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब ग्रस्त व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहें। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल, जो हमारे इस यज्ञ में हैं, कहीं थे, जो एडवांस पार्टी में चले गए। रमेश भाई, उषा बहन, लक्ष्मण जी, सुंदरी बहन, लक्ष्मण जी चले गए, रमेश भाई उषा बहन भी चले गए एडवांस पार्टी में, सुंदरलाल जी और शुक्ला दीदी, जिनमें से सुंदरलाल जी चले गए, हमारे मेहता भाई साहब, कोकिला बहन, जिनमें से कोकिला बहन चली गए। इस तरह से ये बाल ब्रह्मचारी युगल जिन्होंने पवित्र रह करके दिखाया और बाबा को ये पवित्रता की मदद दी।
तो बाबा बता रहे हैं उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल, यहाँ भी बाप से बल मिलता है। तो परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी नगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि दुशासन हमको नगन करते हैं, ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं, अर्थात अंतिम जन्म में हम पवित्र बनते हैं, 21 जन्मों तक ये पवित्रता हमारी कायम रहती है। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भलपति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकती। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है पति दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। अब शेर पर सवारी की बात नहीं है, पर शिव बाबा के जब हम बनते हैं, शिव शक्ति बन जाते हैं, शेर जैसी भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए शेर पर सवारी दिखाई। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पवित्र पति दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माने ईश्वरीय दुनिया, तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फर्स्ट पवित्रता है। काम विकार कितना बलवान है, अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है, जो कोई पवित्र रह न सके। अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सत्यु की स्थापना की, बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को जानते हो, अब तुम बाप के बने हो। तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है, वो बाप निराकार हैं, परमधाम में रहने वाले हैं, ऐसे बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी हैं, मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है, पहले खून की नदियां बहेंगी और फिर घी दूध की नदियां बहेंगी। अब तुम को विशेष सागर से निकाल खीर सागर में ले जाते हैं। बाबा बच्चों को विशेष सागर से निकाल खीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण खीर सागर सतयुग में हैं, यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है, उसको पानी में घोलते हैं, दूध बना लेते हैं। सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। बरोबर, भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। एक दो को डसते रहते हैं, शक्ल भी मनुष्य की है परंतु चलन गंदी है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। है ही यह पाप आत्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे, राम राज्य और रावण राज्य का किसी को भी पता नहीं। राम राज्य किसको कहा जाता है, रावण राज्य किसको कहा जाता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं परंतु कौन स्थापन करते हैं यह नहीं जानते। इस समय मनुष्यों को जो पैसा दो तो उससे पापी करते हैं। क्यों? क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया।
अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा ही लेंगे, लेकिन ये अंतिम जन्म, बाबा से वर्षा लेने के लिए अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गई हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो, तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से श्याम बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब असुर बन गए हो। ये चक्र है पूज्य सो फिर पुजारी बनने का। सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया ना। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु समझते नहीं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में आए हैं, कैसे आया क्या किया कुछ भी बता नहीं सकते। यह भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बताते हैं। क्या सत्युग से ही दुनिया पतित थी जो पावन बनने के लिए गंगा स्नान करना पड़े? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किस इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है? क्राइस्ट आया फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई ही निकलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो, हाँ क्या जानते हो, दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे। अगर चलकर, आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे। प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं, महात्मा, सन्यासी आदि भी नमन करते हैं, वो मानेंगे कि इन्हों की शिक्षा, जो ये शिक्षा पा रहे हैं, इन्हों को ये शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता कृष्ण ने नहीं कहा, ये दो बातें सिद्ध कर दो तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए। ये सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। शिव बाबा की पहली रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुखवंशावली ब्राह्मण और वह है कुखवंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है, मेहनत है ना। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्ट्रेस हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो आदि आदि, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं, समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत है वहाँ जन्म है। भारत में ही जीत होगी, बाकी वो सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम आएगा, हाँ नहीं, यहाँ ही मिल्कियत, हाँ जो यहाँ की मिल्कियत है वह तो वर्थ नोट पे नहीं है, वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरात की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। कितनी बुद्धि चाहिए समझने की, इन बातों को समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चे अभी डबल
अहिंसक बनती हो? तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा नहीं करते, ना काम विकार की, ना क्रोध की, ना वो मर्डर की हिंसा। यहाँ तो डबल हिंसा है, सत्ययुग में हिंसा होती ही नहीं। उनको स्वर्ग कहा जाता है, तो बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, हाँ बाबा पूछ रहे समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है ही कौन है? बाबा गरीब निवाज। शिव बाबा तो दाता हैं, ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए हैं। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूँ? ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते हैं मैं अभोगता हूँ, असोचता हूँ। अभोगता असोचता का अर्थ क्या, यह भी तुम जानते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब कहते हैं अहम आत्मा, उस परमात्मा की संतान, अब यह है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सोचने की बात है। अगर ये कहने वाला, जिसको हम कहते हैं मर जाता है, मर गया, वो निकल गया, शरीर तो है, आंखें वही हैं, कान वही हैं, मुख वही है, सब कुछ वही ऑर्गन्स हैं, फिर वो देख क्यों नहीं रहा, सुन क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा, कोई भी कर्म इन कर्म इंद्रियों से क्यों नहीं कर रहा है? ये सिद्ध करता है कि मैं कहने वाली सत्ता कोई और है। वो कौन है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, जो आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा सब कुछ करती है, लेकिन आत्मा देखने में नहीं आती। आत्मा देखने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है। आप बताइए, कभी भी आपने इस शरीर से आत्मा को निकलते हुए देखा है? किसी ने देखा हो तो बताएं। आँख खुली रह गई, कह दिया आँखों से निकल गई। मुख खुला रह गया तो कह दिया मुख से निकल गई। चलो निकल गई, पर आपने निकलते हुए देखा नहीं ना। आत्मा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तब देखा उसको प्रवेश करते हुए? तो भी नहीं देखा। तो वास्तव में आत्मा देखने की चीज़ है ही नहीं, समझने की और अनुभव करने की चीज़ है। तो इसलिए मम्मा कह रही हैं, जब कोई को याद किया जाता है, तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होती है। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है, जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा रहती है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है, अवश्य कोई लेने वाला है। ये इच्छा किसको होती है? मन में इच्छा होती ना। मन किस में है? आत्मा में। तीन शक्ति हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन में इच्छा होती है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है, वो अवश्य कोई देने वाला है, तभी तो उनको याद किया जाता है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा लेने वाली, परमात्मा देने वाला। और कहा भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो लिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, दोनों हैं। तो आत्मा परमात्मा से अलग हो जाते, फिर अंत में आकर परमात्मा आत्मा की भी पहचान देता है, और खुद खुदा आकर के खुद की पहचान देता है। तो देने वाला भी अवश्य है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वो कौन है? ये बोलने वाली शक्ति में स्वयं आत्मा हूँ।
जिसका आधार ज्योति बिंदु मिसल है, आकार ज्योति बिंदु मिसल हैं। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ते हैं तो वो निकल जाती है, भले इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती। अब इससे सिद्ध है उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उनको आत्मा ही कहेंगे जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उनके ही रूप के माफिक होगा। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वह हम सर्व आत्माओं से परम हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, दुख सुख का अनुभव आत्मा करती है, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आती है। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से रहित है, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। परमात्मा का रीइंकार्नेशन होता है, अवतरण होता है, आत्मा माँ के गर्भ से जन्म लेती है। मुख्य धारणा है, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापिस चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उनकी श्रीमत पर चलना है। वरदान, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर, आत्मा में मर्ज रूप में है लेकिन संगम युग पर वो देवताई संस्कार इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। व्यर्थ का जैसे हमें ज्ञान ही नहीं है। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे, आप बच्चे सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता, स्वेता और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा, आत्मा पुरुष है, इस रथ द्वारा कार्य कराओ, एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। स्लोगन, रूहानी गुलाब वह हैं जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। गुलाब का फूल भी होता है, उसमें भी कांटे होते हैं, लेकिन फूल सबको आकर्षित करता है। तो हम भी रूहानी गुलाब तब कहलाएंगे जब जो भी दुख देने वाले मनुष्य, कांटे चुभने वाले मनुष्य हैं, उनके बीच रहते हुए भी सदा खिले रहेंगे रूहानियत में और रुहाब में होंगे। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। अमृत वेले ये अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं, कभी ऐसे समझो और कभी अशरीरी और परम धाम निवासी हूँ अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह तीन स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस हो, हाँ ये प्रैक्टिस हो जाए, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भाव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष ये अनुभव हो ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ स्थित हो जाओ। संकल्प किया और स्थित हुआ, ये रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं और अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना समय वह चले, जहाँ बुद्धि लगाना चाहिए वहाँ ही लगे।
इसको कहा जाता है अधिकारी। ये प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए ये अभ्यास करो, अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ, अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया है क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। इसी को कहा जाता है क्या, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। राजयोग सीख रहे हैं तो बाबा ने ये ड्रिल बताई, तो ये चाहिए मन बुद्धि संस्कार ऊपर कंट्रोल। ओम शांति।